दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और अनंत है। इस ब्रह्मांड में जब कभी भी किसी चीज की खोज होती है, तभी हमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। पर इसके अलावा भी हमारी पृथ्वी में कई ऐसी जगह है जो कि बड़ी असीम है। उसी में से एक है हमारा समंदर। अंतरिक्ष में से देखने पर हमारा ग्रह नीला देखने को मिलता है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा विशाल महासागरों से घिरा हुआ है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी में ढका हुआ है और बचे हुए 29% हिस्से पर जमीन है। तकनीकी तौर से देखें तो सभी महाद्वीपों को चारों तरफ से घेर के रखने वाला एक ही महासागर है, लेकिन हमने हमारी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम देके रखे हैं। जिन्हें हमें 5 भागों में डिवाइड किया है, जो कि है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, या जिसे साउथर्न ओशन भी कहते हैं। आज हम इसमें से सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा महासागर है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर से भी 2 गुने से अधिक है। यह पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 32% और जल क्षेत्र के लगभग 46% भाग पर फैला हुआ है। मतलब पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर पैसिफिक ओशन है। यह पूर्व से पश्चिम में लगभग 19,800 किलोमीटर की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लगभग 15,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है कि पृथ्वी के सभी महाद्वीपों को एक साथ रखे तो भी वो इसमें समा जाएंगे। इतना ही नहीं, पृथ्वी के इस हिस्से में हमारे 5 चांद समा जाएंगे तो भी पैसिफिक ओशन में कुछ जगह बच जाएगी। इतना विशाल है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन न केवल सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे गहरी खाई के साथ सबसे गहरा महासागर भी है। पैसिफिक ओशन की औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है। द चैलेंजर द्वीप इन मरियाना ट्रेंज जो फिलीपींस के पश्चिमी और न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। मरियाना ट्रेंज पैसिफिक ओशन में 10,927 मीटर के साथ सबसे गहरा बिंदु है। पैसिफिक ओशन के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है। यह विश्व के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल का घर है। सभी समुद्रों के मछलियों में से लगभग 70% मछलियाँ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि हमें अभी तक ओशन का 5% एरिया ही एक्सप्लोर किया है। अभी तक 90% एरिया अनआइडेंटिफाई है और इसी 95% एरिया में कई रहस्यमय जीव भी मौजूद हो सकते हैं। क्या आपको यह पता है कि पैसिफिक ओशन के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ते? ऐसा क्यों? इसका जवाब जानना है तो चैनल पर ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।